अगर आप एक बैचलर हैं या अपनी फैमिली से दूर अकेले रहते हैं और आपको कोई एक अच्छी सिंपल रेसिपी सीखना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि आज हम सीखेंगे टमाटर कड़ी या टमाटर सार कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेस्ट किचन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में डालें एक छोटा चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच सूखा धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च। अब इसे अच्छे से भुने जब तक ये मसाले अपना स्वाद ना छोड़े। अब एक कढ़ाई में डाले आधा लीटर पानी। अब इसमें डाले डेढ़ मोटे कटे हुए टमाटर, दो हरी मिर्च, और इसे अच्छे से उबाले। अब इसे एक अलग प्लेट में निकालकर साइड में रखें। अब एक मिक्सर जार में एक कप किसा हुआ नारियल, भुने हुए मसाले, पकी हुई हरी मिर्च और पका हुआ टमाटर डालें। याद रखें, टमाटर को डालने से पहले उसका छिलका निकालें। अब इसमें डालें आधा इमली, एक चुटकी हींग, आधा छोटा चम्मच गुड़, जरूरत के हिसाब से पानी। अब इसे अच्छे से पीस ले। अब एक कढ़ाई में डालें एक बड़ा चम्मच घी, एक छोटा चम्मच जीरा, 10 से 12 करी पत्ते, आधा छोटा चम्मच राई और पिसा हुआ टमाटर का मसाला। अब आप इसमें डालिए जरूरत के हिसाब से पानी और इसे अच्छे से मिलाइए। अब डालें नमक स्वादानुसार और इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसे कुछ टाइम तक उबलने दें। अब इसमें डालें नींबू का रस और एक बड़ा चम्मच हरा धनिया। आपकी टोमेटो की करी या टोमेटो सार तैयार है।
इसे हरे धनिया के साथ गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल पे क्लिक करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपना ख्याल रखें। टिल देन।